हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री 2024 बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन को बताने वाले हैं और ये आपके हेलो एल्केन एंड हेलो एरिंस चैप्टर से लिया गया है। और इसमें देखिए फ्रेंड, जो भी आपका बोर्ड एग्जाम में देखिए आपका दो तरह से पूछा जाता है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए या कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको 5 नंबर यानी कि इस वीडियो के यदि आप पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला यहाँ पर दिया है रिएक्शन कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्षार से कराते हैं। तो देखिए जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम क्षार से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। और देखिए आपको इसमें कुछ भी परिभाषा नहीं लिखना है, केवल आपको यहाँ पर रासायनिक समीकरण दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला इक्वेशन यहाँ पर जो आपका समीकरण बोल रहा है, देखिए जो आपका यहाँ पर पहला दिया है कि क्लोरोबेंजीन क्या बोल रहा है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्षार से कराते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फार्मूला लिख लेंगे। तो देखिए जब बेंजीन रिंग जो आपका बेंजीन रिंग होता है उस पर जब हम यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं क्लोरीन, तो ये आपका क्या होता है क्लोरोबेंजीन हो जाता है। अब प्लस में इसकी क्रिया हमको किससे कराना है, क्षार से। तो देखिए फ्रेंड, क्षार क्या होते हैं कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलने पर आपका OH आयन देते हैं। तो जिसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NaOH, ये आपका क्या होता है क्षार होता है। क्या होता है क्षार होता है। और इसकी देखिए, और देखिए फ्रेंड्स जो आपका एक क्रिया है वो आपका 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर हमको क्या करना है कराना है। यानी कि ATM का मतलब क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब इसकी उपस्थिति में जब इसको हम गर्म करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका क्लोरीन दिया है आपका सोडियम के साथ क्या हो जाएगा बाहर चला जाएगा, यानी कि NaCl बना लेगा सोडियम क्लोराइड। और देखिए क्या प्राप्त यहाँ से बन जाएगा, तो यहाँ से आपका यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है यहाँ पर बेंजीन रिंग बना देंगे और इस Cl के जवाब हम OH को लगा देंगे। क्या करेंगे कि इसके जवाब हम OH को लगा देंगे। तो ये आपका देखिए क्या प्राप्त हो गया फ्रेंड्स, तो इसका नाम होता है फिनॉल होता है। क्या होता है तो इसका नाम फिनॉल होता है। तो ये आपका फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। और इसका नाम लिख लीजिएगा क्लोरोबेंजीन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आप इस तरह से अभिक्रिया को करेंगे और यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। अब चलिए देखते हैं दूसरा रिएक्शन। तो देखिए जो आपका दूसरा रिएक्शन दिया है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया Mg से कराते हैं, यानी कि मैग्नीशियम के साथ कराएंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा। तो दूसरा जो आपका अभिक्रिया दे दिया है इसमें आपका बोल रहा है कि ब्रोमोबेंजीन, तो यहाँ देखिए आपका क्लोरोबेंजीन था तो क्लोरीन के जवाब यदि हम ब्रोमीन को लगा देंगे तो आपका ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। तो यहाँ से हम बेंजीन एक बेंजीन रिंग बनाएंगे और बेंजीन रिंग में क्या करेंगे कि यहाँ पर हम यहाँ पर लगा देंगे Br, तो ये आपका क्या हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अब प्लस देखिए क्या बोल रहा है कि Mg से कराते हैं, किसके साथ Mg से कराते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे Mg आपका होता है मैग्नीशियम। और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में शुष्क ईथर, देखिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम कराएंगे तो यहाँ पर देखिए जो आपका Br होता है फ्रेंड्स ब्रोमीन, तो हम जानते हैं कि ब्रोमीन पर क्या होता है माइनस चार्ज होता है और मैग्नीशियम में क्या होता है इस पर प्लस का 2 चार्ज होता है। तो इसका माइनस चार्ज इसके प्लस 2 चार्ज को क्या करेगा कि इस पर जाकर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बेंजीन एक रिंग हो गया और यहाँ से जो आपका Br दिया है यहाँ से लग जाएगा Mg Br लग जाएगा। तो देखिए इसका जो नाम होता है ये आपका केवल यहाँ पे MgBr को छोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल हो जाएगा और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। तो यहाँ से इसका नाम लिख लेते हैं फिनाइल मैग्नीशियम और यहाँ पे आपका जो Br लगाया तो आपका हो जाएगा ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा ब्रोमाइड हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा रिएक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आपका तीसरा रिएक्शन दिया है, तीसरा रिएक्शन कि एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं, किसका एथिल ब्रोमाइड। तो देखिए एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है C2H5Br होता है और इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराएंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा चलिए देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एथिल जो आपका तीसरा दिया है वो आपका क्या बोल रहा है कि एथिल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले हम एथिल ब्रोमाइड लिखेंगे, तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5
C2H5Br होता है, ये आपका एथिल ब्रोमाइड हो गया। अब प्लस में क्या बोल रहा है कि सोडियम एथॉक्साइड, तो इसका जो सूत्र होता है वो आपका होता है C2H5ONa, ये आपका होता है सोडियम एथॉक्साइड। अब देखिए जब सोडियम एथॉक्साइड के साथ जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से देखिए C2H5O जो आपका C2H5O दिया है ये किससे अटैच हो जाएगा, C2H5 से। तो देखिए यहाँ से आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, C2H5O और यहाँ से C2H5 को यहाँ पर लगा देंगे, C2H5 हो जाएगा। और प्लस में देखिए ये आपका सोडियम दिया है तो सोडियम पर क्या होता है प्लस चार्ज और Br पर क्या होता है माइनस चार्ज, तो प्लस का क्या बना लेगा NaNaBr, क्या बना लेगा NaBr, तो क्या हो गया सोडियम ब्रोमाइड। तो चलिए इसका नाम लिख लेते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा देखिए C2H5O C2H5, तो यहाँ पर आपका ईथर समूह दिया है तो देखिए इसका नाम होता है डाई एथिल ईथर, क्योंकि C2H5 कितने बार दिया है, दो बार दिया है, तो यहाँ से लिख लेंगे तो यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा डाई एथिल ईथर प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया फ्रेंड्स, डाई एथिल ईथर। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स जो आपका तीसरा रिएक्शन दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब हम एथिल ब्रोमाइड C2H5 की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं तो हमको डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। और आपका ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है, तो इसका नाम लिख लीजिएगा फ्रेंड्स कि एथिल ब्रोमाइड और इसका नाम सोडियम एथॉक्साइड। अब चलिए देखते हैं चौथा रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो आपका चौथा रिएक्शन है ये आपका बोल रहा है कि एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं, एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि चौथा रिएक्शन भी आपका कैसे होगा। देखिए जो आपका चौथा जो आपका रिएक्शन बोल रहा है वो आपका बोल रहा है कि एथिल क्लोराइड, क्या बोल रहा है कि एथिल क्लोराइड, तो देखिए जो आपका एथिल क्लोराइड का सूत्र होता है C2H5Cl, ये आपका एथिल क्लोराइड हो गया। अब प्लस में देखिए एथिल क्लोराइड को बोला है कि जलीय KOH के साथ, किसके साथ, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH क्या होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जब इसके साथ हम क्या करेंगे जब इसको गर्म करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए जो आपका C2H5 दिया है ये आपका एथिल होता है और एथिल पर आपका प्लस चार्ज होता है और Cl पर माइनस चार्ज होता है, और पोटेशियम पर प्लस वन चार्ज होता है, OH पर माइनस चार्ज होता है। तो देखिए यहाँ से आपका पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा, क्या बनाएगा प्लस का पोटेशियम क्लोराइड, और यहाँ से C2H5OH बनेगा, क्या बनेगा C2H5OH, और प्लस में यहाँ से बनेगा KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका देखिए जो नाम होता है फ्रेंड्स, इसका जो नाम होता है वो आपका होता है एथिल एल्कोहल। C2H5OH का मतलब होता है फ्रेंड्स एथिल एल्कोहल होता है, तो इसका नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा एथिल एल्कोहल। और देखिए जो आपका यहाँ पे ये आपका होता है एथिल क्लोराइड, क्या होता है एथिल क्लोराइड होता है, क्या होता है फ्रेंड्स एथिल क्लोराइड होता है। अब चलिए देखते हैं पांचवा रिएक्शन। तो देखिए जो आपका पांचवा यहाँ पे आपका बोल रहा है कि एथिल आयोडाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं, किसको बोल रहा है कि एथिल, यहाँ पे देखिए एथिल आयोडाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पांचवा अभिक्रिया कैसे होगा। तो हमको किसको लेना है एथिल, हमको किसको लेना है एथिल, यहाँ पे देखिए एथिल आयोडाइड, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स कि एथिल आयोडाइड का यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे तो C2H5I, यहाँ पर क्या होता है एथिल आयोडाइड। और प्लस में इसकी क्रिया हम सोडियम एथॉक्साइड से जब कराएंगे C2H5ONa, ये आपका होता है सोडियम एथॉक्साइड, और जब इसके साथ जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर देखिए C2H5I और प्लस में C2H5ONa दिया है, तो यहाँ पर देखिए C2H5O जो दिया है C2H5 से अटैच हो जाएगा, तो यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा C2H5O C2H5, और प्लस में देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा ये आपका आयोडीन दिया है तो इस पर माइनस चार्ज होता है और सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, तो सोडियम आयोडाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा NaI। तो देखिए C2H5O C2H5 होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है डाई एथिल ईथर होता है, डाई एथिल ईथर, इसका नाम लिख लीजिएगा डाई एथिल ईथर, और ये आपका होता है सोडियम आयोडाइड, ये आपका होता है एथिल आयोडाइड और प्लस में सोडियम एथॉक्साइड। तो देखिए जो आपका पांचवा रिएक्शन था कि एथिल आयोडाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होता है, तो आपका प्राप्त होता है डाई एथिल ईथर और सोडियम यहाँ पे सोडियम आयोडाइड प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पे पांचवा रिएक्शन दिया है ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चले देखते हैं छठा नंबर
अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका छवा नंबर यहाँ पर रिएक्शन दिया है कि क्लोरोफार्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है। देखिए, जब हम क्लोरोफार्म को एसीटोन के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होता है। देखिए, जो आपका सिक्स नंबर दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है कि क्लोरोफार्म बोल रहा है। देखिए, क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है, CH Cl3 होता है। क्या होता है, क्लोरोफार्म होता है। और इसकी क्रिया हम एसीटोन के साथ जब कराएंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा। तो एसीटोन का सूत्र क्या होता है, तो CH3 CO CH3 होता है। इसमें CO समूह होता है, यानी कि C डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है, कीटोन में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, कीटोन को लिख लेंगे। तो C डबल बॉन्ड O, देखिए यहाँ से C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ से CH3 समूह लग जाएगा, ठीक है, CH3। और यहाँ से देखिए क्या दिया है, CH3 कितने बार में दिया है, दो बार। तो यहाँ से CH3 हो जाएगा और C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अब प्लस में इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, क्लोरोफार्म यानी कि CHCl3 से जब कराएंगे तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका दिया है O, C डबल बॉन्ड O दिया है, और यहाँ पर आपका CHCl3 दिया है। तो इस हाइड्रोजन को इसके साथ लगा देंगे तो यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड OH। और सिंगल बॉन्ड देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिए हैं, यहाँ पर OH के साथ लगा दिए, O के साथ लगा दिए OH, और CCl3 को यहाँ पर लगा देंगे CCl3। और बाकी जो यहाँ पर आपका यहाँ पर मेथिल समूह दिया है, यहाँ पर लगा देंगे CH3 और यहाँ पे CH3। तो देखिए, इसका जो नाम होता है फ्रेंड्स, इसका जो नाम होता है वो आपका होता है क्लोरीटोन होता है। क्या होता है, क्लोरीटोन होता है। ये आपका बार बार पूछता है फ्रेंड्स कि क्लोरोफार्म से, देखिए एसीटोन की क्रिया जब हम क्लोरोफार्म से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो ये आपका प्राप्त होता है फ्रेंड्स क्लोरीटोन होता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे एक बार मैं और बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ CH3 दिया है, प्लस में CH Cl3 यानी कि क्लोरोफार्म यहाँ पे आपका दिया है। तो जब यहाँ से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड दिया है, तो इस डबल बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन को लगा देंगे तो आपका OH हो जाएगा। और फिर यहाँ से CCl3 को यहाँ पर लगा देंगे एक बॉन्ड से, और यहाँ से CH3 और यहाँ से CH3 जो आपका समूह दिया है यहाँ पर लगा देंगे। तो इसी का नाम होता है क्लोरीटोन। क्या होता है, क्लोरीटोन। अब चले देखते हैं सातवां नंबर। देखिए, जो आपका सातवां नंबर दिया है कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बोल रहा है, देखिए फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पे सातवां नंबर दिया है कि क्लोरोल को कास्टिक सोडे के साथ गर्म किया जाता है। देखिए, जो आपका क्लोरोल होता है तो क्लोरोल का सूत्र क्या होता है, देखिए जो आपका क्लोरोल होता है फ्रेंड्स, वो आपका होता है CCl3 और CHO होता है, एल्डिहाइड समूह होता है। और प्लस में जब इसकी हम क्रिया किससे करा रहे हैं, कास्टिक सोडा, यानी कास्टिक सोडा का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो आपका होता है NaOH। क्या होता है, NaOH। तो जब इसके साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड, देखिए जो आपका हाइड्रोजन दिया है इसको इसके साथ लगा देंगे तो आपका CHCl3 यानी कि क्लोरोफार्म, यहाँ से देखिए क्लोरोफार्म, और प्लस में देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर आपका क्या बचा है, सी बचा है, ओ बचा है, और यहाँ से आपका बचा है फ्रेंड्स Na और OH बचा हुआ है। तो यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे HCl, और यहाँ से एक O दिया है और यहाँ पे एक O दिया है, और यहाँ से सोडियम को लगा देंगे तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाएगा। तो इसका नाम होता है फ्रेंड्स सोडियम फॉर्मेट। क्या होता है, सोडियम फॉर्मेट आपका प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं जो आपका सातवां रिएक्शन दिया है ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए, जो आपका आठवां बोल रहा है कि मेथिल आयोडाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड यानी कि केशियन विलयन से कराते हैं। देखिए, जो आपका मेथिल क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि आठवां नंबर यहाँ पे देखिए वो आपका क्या बोला है कि मेथिल आयोडाइड। तो मेथिल आयोडाइड का सूत्र होता है CH3I, ठीक है, और प्लस में पोटेशियम साइनाइड यानी कि KCN के साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर CH3 प्लस चार्ज, आई क्या होता है माइनस चार्ज, पोटेशियम प्लस चार्ज, CN माइनस चार्ज, तो प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ, तो पोटेशियम आयोडाइड बनाएगा, और उसके बाद से CH3 यहाँ पर देखिए CH3 CN बनाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे CH3 CN और प्लस में यहाँ से पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI प्राप्त हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल साइनाइड। क्या हो जाएगा, मेथिल साइनाइड, ठीक है। तो आशा करते हैं फ्रेंड जो आपका आठवां नंबर जो आपका रिएक्शन दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चले देखते हैं नौवां नंबर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका नौवां नंबर दिया है
कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है तो क्या होगा। देखिए जो आपका शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड किसके साथ, मेथिल ब्रोमाइड। देखिए मेथिल ब्रोमाइड का जो सूत्र होता है फ्रेंड्स वो आपका होता है CH3Br होता है, ये आपका होता है मेथिल ब्रोमाइड। प्लस में यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से होती है, यानी कि सोडियम के साथ जब हम कराते हैं Na के साथ, और यहाँ पे शुष्क ईथर यहाँ पे लिख लीजिएगा शुष्क ईथर। तो देखिए जब शुष्क ईथर के साथ जब हम कराएंगे फ्रेंड्स तो देखिए आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आपका दिया CH3Br+ में सोडियम, तो जब इसके साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो आपका एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स, एल्केन प्राप्त होता है, यानी कि एल्केन में क्या प्राप्त हो जाएगा CH3। तो ये आपका क्या हो गया मेथ एथ एथेन प्राप्त हो जाएगा, किस क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स एथेन प्राप्त हो जाएगा। और प्लस में देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से आपका सोडियम दिया है और यहाँ पर आपका ब्रोमीन दिया है, तो सोडियम सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका जो आपका अभिक्रिया यहाँ प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है ये आपका बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर CH3 एक बार दिया, यहाँ पर दो बार आपका आया है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर दो लगा देंगे तो CH3Br हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ब्रोमीन कितना बार हो गया, दो बार, तो यहाँ पर क्या करेंगे दो लगाएंगे तो सोडियम भी दो हो गया, तो यहाँ पर दो लगा देंगे, तो अब देखिए आपका बैलेंस हो गया। तो नौवां नंबर जो आपका रिएक्शन दिया था कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है तो क्या प्राप्त होता है, तो देखिए आपका प्राप्त होता है फ्रेंड्स यानी कि एथेन और प्लस में सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अब चलिए देखते हैं दसवां रिएक्शन। तो देखिए फ्रेंड जो आपका दसवां रिएक्शन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, तो देखिए फ्रेंड जो आपका दसवां रिएक्शन दिया है, दसवां रिएक्शन ये आपका बोल रहा है कि क्लोरोबेंजीन, क्या बोला है क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्लोरोबेंजीन होता है, चलिए देखते हैं कि इसकी अभिक्रिया कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर जो दसवां बोल रहा है इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि क्लोरोबेंजीन को लेंगे, किसको लेंगे क्लोरोबेंजीन। देखिए क्लोरोबेंजीन क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो जाएगा बेंजीन रिंग, क्या हो जाएगा ये आपका बेंजीन रिंग, और यहाँ पे जब हम क्लोरीन को लगा देंगे तो आपका क्लोरोबेंजीन हो गया। अब प्लस में क्या बोल रहा है कि क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है HNO3 होता है, तो जब इसके साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे और किसके उपस्थिति में, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बेंजीन रिंग हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए क्लोरीन जो दिया है तो यहाँ पर लगा देंगे क्लोरीन को, और यहाँ पर NO3 दिया है तो क्या करेंगे कि यहाँ पर NO2 को लगा देंगे, और प्लस में एक बार और यहाँ से देखिए एक बेंजीन प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर आपका देखिए क्लोरीन को लगाकर और यहाँ पर NO2 को लगा देंगे। अब देखिए फ्रेंड जो आपका यहाँ पर एरोमेटिक कॉम्पाउंड में जो आप देखिए जो आपका बेंजीन होता है बेंजीन, इसमें इस पोजीशन को हम बोलते हैं फ्रेंड्स आर्थो, क्या बोलते हैं आर्थो, ये आपका होता है फ्रेंड्स मेटा और ये आपका होता है फ्रेंड्स पैरा, ठीक है आर्थो मेटा पैरा, या इसको भी ले सकते हैं फ्रेंड्स आर्थो फिर ये आपका हो जाएगा मेटा या आपका पैरा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका आर्थो पोजीशन पर दिया है, क्या दिया है आर्थो पोजीशन पर दिया है, तो इसका नाम हो जाएगा फ्रेंड्स आर्थो, और यहाँ पर दिया है नाइट्रो, क्या दिया है नाइट्रो, तो आर्थो नाइट्रो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लोरो नाइट्रो, और यहाँ पे क्लोरो बेंजीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्लोरो बेंजीन, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे देखिए जो अब दिया है आर्थो पोजीशन मेटा और पैरा, पैरा क्या दिया है NO2 दिया है, तो इसका जब नाम कर लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड देखिए यहाँ पर लिखेंगे पी, पी का मतलब होता है पैरा नाइट्रो क्लोरो और क्या प्राप्त हो जाएगा बेंजीन, क्या प्राप्त हो जाएगा बेंजीन, तो यही आपका रिएक्शन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री 2024 बोर्ड के लिए हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन को बताए हैं जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।